हाँ जी, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. क्या बोल रहा है वो? ए स्क्वायर जो है, ठीक, दैट इज इक्वल टू आई दे रखा है हमें. तो इन दैट केस वो क्या बोल रहा है कि इस चीज को सिंप्लीफाई करो. ठीक, अगर ए स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ए माइनस आई का क्यूब प्लस ए प्लस आई का क्यूब माइनस सेवन ए, इसको सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, तो सिंप्लीफाई करके जो भी वैल्यू आ रही है वो निकालनी है. तो ये करने के लिए हमें ये तो मालूम है कि हम इसके अंदर ये जो चीज है, चलो ये करते हैं. तो इसको लिखा a माइनस आई इंटू ए माइनस आई का स्क्वायर. ठीक, तो ये बन जाएगा a माइनस आई इंटू ए माइनस आई, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर. अब ध्यान से देखो, i इंटू ए क्या होता है, a, ठीक, और a इंटू आई वो भी a होता है, तो ये आ गया माइनस टू ए. एंड माइनस आई इंटू माइनस आई प्लस आई, बेसिकली जो आई स्क्वायर होता है ना वो भी i होता है. हाँ जी दक्ष सर, इसमें a क्यूब माइनस b क्यूब नहीं लगा सकते, a क्यूब प्लस b क्यूब? यार एक्चुअली मैं वही, मेरे को बताना है कि a माइनस b का क्यूब अगर आ जाए तो तुम a माइनस a मतलब वो नहीं लगा सकते. ठीक है, वही चीज मेरे को अभी पहले शो करनी है तुम्हें. एंड अगर a माइनस i का क्यूब आ जाए फिर तुम लगा सकते हो. ठीक है, यही चीज मैं अभी प्रूव कर रहा हूँ कि क्यों a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब वाली, a क्यूब प्लस b क्यूब. हाँ, नहीं 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 नहीं, इन दैट केस नहीं ना. अभी मैं वही चीज समझा रहा हूँ कि जो नॉर्मल अल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज होती है वो डायरेक्टली इसके अंदर नहीं लगती हैं. ठीक है, मैं वही चीज समझा रहा हूँ अभी. ठीक है, एक बार जस्ट देख, एक सेकेंड. अच्छा, अगर आई की जगह नहीं, वो करके देखते शुभम, वो करके देखते तेरा स्टेप. एक सेकेंड रुक जा, पहले ये वाला एक बार देख ले. ठीक है, तो ये ए माइनस आई हो गया एज इट इज. तो ये मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया ए क्यूब माइनस टू ए स्क्वायर प्लस ए माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए एंड माइनस आई. ठीक, तो ये बन गया ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर प्लस थ्री ए माइनस आई. आई होप ये क्लियर हुआ. ठीक, तो ये आ गया ए माइनस आई का क्यूब. तो दिस इज नथिंग बट नॉर्मल, जो तुम अपना क्यूब ओपन करते हो, नॉर्मल ए माइनस बी का क्यूब ओपन करते हो, तो यही चीज आ जाती है. ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, वो क्या रहा है कि अगर मैंने ए माइनस बी का क्यूब ओपन किया, ठीक, तो मैं उसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ये नहीं लिख सकता हूँ. याद रखना ये चीज, ये मैं नहीं लिख सकता हूँ. क्यों नहीं लिख सकता हूँ? इसका एक्सपेंशन देखो जरा, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर. अगर तुम्हें कल याद हो a माइनस बी का स्क्वायर हमने किया था, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी, सॉरी प्लस बी ए था. एक सेकेंड, a माइनस बी, तो ये आ जाएगा माइनस बी ए. तो एक सेकेंड रुको, ये मेरे को थोड़ा ठीक करने दो. हाँ, तो ये बनेगा तुम्हारा माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस ए बी एंड माइनस प्लस बी स्क्वायर. हाँ, ये बनेगा इंटू ए माइनस बी. अब ध्यान से देखो, दोबारा जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? पहले ए सबसे मल्टीप्लाई होगा लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये बन जाएगा ए क्यूब, फिर बनेगा माइनस ए बी ए. ठीक, ये जब चीज इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर बनेगा माइनस ए इंटू ए बी, तो ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर. देन माइनस बी सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस बी ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर ए, फिर माइनस माइनस प्लस बी ए बी एंड माइनस बी क्यूब. अब ध्यान से देखो, ये चीज थोड़ी अजीब लग रही होगी तुम्हें, राइट? तो ये चीज को ध्यान देते हुए हम इन जनरल जो ए क्यूब माइनस बी, ए माइनस बी का क्यूब है, उसको ये चीज नहीं लिख सकते. ये तब लिख सकते हैं जब a एंड b कम्यूट करें. अब याद करो कि म्यूट का मतलब क्या होता था. म्यूट का मतलब क्या होता था कि ए बी इक्वल टू बी ए हो जाएगा. अब ध्यान देखो, अगर तुम्हारा ए बी और बी ए बराबर हो जाएगा, तो ये चीज क्या बन जाएगी, ए क्यूब माइनस, अब ये चीज बन जाएगी तुम्हारी ए स्क्वायर बी, क्योंकि ये जो है बी ए, इसकी जगह तुमने लिखा ए बी, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी. समझ आया ये चीज?
माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, क्योंकि कम्यूट हो रहा है, ये बन गया प्लस ए बी स्क्वायर, ये बन गया तुम्हारा प्लस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अब ध्यान से देखो, माइनस माइनस माइनस, तो ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो देखो, ये जो चीज है ए माइनस बी का क्यूब, ये चीज अपना ओरिजिनल जो हमारा अलजेब्रिक फॉर्मूला होता है, ये तब बनेगा ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट। अगर ए एंड बी कम्यूट नहीं करते, इन दैट केस देखो ये बहुत गंदा सा फॉर्मूला आ रहा है, ये इतना लंबा सा गंदा सा फॉर्मूला आ रहा है। समझ आया? आई होप क्लियर हुआ। तो पंगा ये है अभी कि जनरल मैं डायरेक्टली मैं ए माइनस बी का क्यूब का जो फॉर्मूला मेरे को ऑलरेडी याद करवाया गया है वो मैं अप्लाई नहीं कर सकता। इसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि इन जनरल ए एंड बी कम्यूट नहीं करते, दैट मीन्स इन जनरल ए बी एंड बी ए इक्वल नहीं होते हमारे, इसलिए हम इन दोनों को बराबर पुट करके इनको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ठीक। लेकिन अब ध्यान से देखो, इसी के अंदर अगर मैं अपना जो क्वेश्चन है ये देखो, तो इसके अंदर क्या है, मेरे को गिवन क्या है, ए माइनस आई का क्यूब। तो इसके अंदर ए जो है वो ए ही है, लेकिन जो बी है वो आई है। अब मेरे को ये चीज तो मालूम है कि ए आई एंड आई ए बराबर होते हैं, यानी इस क्वेश्चन के अंदर मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ए एंड आई कम्यूट करते हैं, तो इसलिए इसके अंदर डायरेक्टली अप्लाई करके मैं इसको ये चीज लिख सकता हूँ। आई होप क्लियर हुआ। अभी किसी को डाउट है तो प्लीज पूछो। हाँ जी, हाँ मतलब वो आंसर अभी निकालते हैं, ठीक है। तो देखो, तो इसके बाद हमने प्लस वाला लिया, ठीक। तो प्लस वाला क्या जाएगा, अभी प्लस वाला आ जाएगा ये सेकेंड वाला जो पार्ट है, दैट इज ये आ गया तुम्हारा ए माइनस आई का क्यूब, ठीक। फिर ए प्लस आई का क्यूब हो जाएगा तुम्हारा ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर प्लस थ्री ए प्लस आई, ठीक। अब इन दोनों को कर दिया ऐड, तो दोनों को ऐड करके ये कटा ये कटा, तो ये आ गया तुम्हारा टू ए क्यूब प्लस सिक्स ए, ठीक। तो ये चीज आ गई। अब इसके अंदर करना तुम्हें माइनस सेवन ए, तो माइनस सेवन ए किया माइनस सेवन ए किया, तो ये बन गया टू ए क्यूब माइनस ए। अब ध्यान से देखो, ए क्यूब तो हमें आई दे रखा था, तो इसको लिखा टू इंटू ए स्क्वायर इंटू ए माइनस ए, और ये ए स्क्वायर को हमने आई पुट कर दिया। तो जैसे ये वाले ए स्क्वायर को आई हमने पुट किया, तो ये बन गया हमारा टू इंटू आई इंटू ए माइनस ए, दैट इज टू ए माइनस ए, दैट इज ए। आंसर इज, बिल्कुल चिराग, बिल्कुल सही आंसर इज ए, ठीक। आई होप क्लियर हुआ ये। सर अगर हम आई की जगह ए स्क्वायर पुट कर दें तो स्टार्टिंग में ही, हाँ हाँ मैं वो भी अभी करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला तो क्लियर हुआ ना कैसे किया हमने, राइट। एंड यहीं से तुम्हें ये चीज भी क्लियर हो जानी चाहिए कि इन जनरल ये वाले जो फॉर्मूलाज होते हैं हमारे, जो नॉर्मल आइडेंटिटी वाले फॉर्मूला, वो डायरेक्टली तभी अप्लाई होंगे जब ए एंड बी कम्यूट होगा, तभी जाके वो तुम्हारे नॉर्मल फॉर्मूला एक्ट करेंगे, अदरवाइज वो नॉर्मली एक्ट नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना, ठीक है। एंड इसको नोट भी अलग से कर लेना, ठीक। अच्छा, अब तुम बोल रहे हो कि अगर आई की जगह डायरेक्टली हम ए स्क्वायर डाल दें, ठीक, तो इन दैट केस क्या होगा। अब ध्यान से देखो, वो करके देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, ए प्लस आई का क्यूब प्लस ए माइनस आई का क्यूब माइनस सेवन ए, ठीक, ये चीज थी। तो हमने किया इधर ए प्लस ए स्क्वायर इंटू आई का क्यूब प्लस ए माइनस ए स्क्वायर का क्यूब माइनस सेवन ए। अब यहाँ से क्या किया, ए कॉमन ले लिया, ठीक। तो ए कॉमन लेके क्या बना, ए प्लस आई, ठीक, का क्यूब, और इधर भी क्यूब हो जाएगा, प्लस ए कॉमन आई माइनस ए का क्यूब, और इधर भी क्यूब हो जाएगा माइनस सेवन ए, ठीक। अब बताओ क्या करें, तुमने बोला तो सही था कि करके देखते क्या होता है, अब इसके बताओ क्या करें। तो ये वाली चीज तो स्टिल पेंडिंग है ना हमारी, ये तो स्टिल बची,
इसका तो कोई सोल्यूशन हुआ ही नहीं। थर्ड स्टेप समझाना। थर्ड स्टेप मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। थर्ड स्टेप में देखो क्या किया, पहले तो सेकंड स्टेप में समझो हमने आई की जगह क्या रख दिया, ए स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे आई की जगह हमने रख दिया ए स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर भी आई की जगह हमने ए स्क्वायर रख दिया, तो यहाँ से ए कॉमन लिया तो ये बना आई प्लस ए और इस टोटल चीज का क्यूब प्लस अगेन ए कॉमन आई माइनस ए एंड इस टोटल चीज का क्यूब माइनस सेवन ए। अब ये जो क्यूब है, अब ए बी का जो क्यूब होता है राइट, जो पावर है वो किस तरीके से जाएगी, ए बी की अगर मेरे को मान लो करना है, क्यूब करना है, तो किस तरीके से जाएगा ये रिवर्स लॉ जो है ये नहीं लगना चाहिए, एक बार मेरे को कंफर्म करना पड़ेगा। ट्रांसपोज के अंदर एक्चुअली में रिवर्स लॉ लगता है, पावर के अंदर आई डोंट थिंक रिवर्स लॉ लगना चाहिए, ये नॉर्मली रहता है। ठीक है, ये नॉर्मली रहेगा, दैट इज ए की पावर थ्री इंटू बी की पावर थ्री, बिल्कुल ये नॉर्मली रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा ए क्यूब एंड ये आई प्लस ए का क्यूब बन जाएगा, प्लस ये बन जाएगा ए क्यूब एंड ये आई माइनस ए का क्यूब बन जाएगा माइनस सेवन ए। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज ओरिजिनल क्वेश्चन में हमारा आई माइनस ए एंड ये आई प्लस ए था, ये तो अभी भी बच गया, इसका अब करेंगे क्या, इसको आगे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखो इधर तो मैं ए क्यूब को क्या लिख सकता हूँ, ए क्यूब को लिख सकता हूँ ए स्क्वायर इंटू ए, तो ये आई हो जाएगा, तो ये ए बन जाएगा, तो इसको ए इंटू आई प्लस ए का क्यूब प्लस ए इंटू आई माइनस ए का क्यूब, ठीक, माइनस सेवन ए। इसका आगे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा ना ये चीज, तो इससे देखो क्यूब हमें ओपन करना ही पड़ेगा जो मर्जी हो जाए। ठीक, तो क्यूब ओपन किए बिना वो नहीं चीज चलेगी, एंड क्यूब को ओपन करने के लिए ही ये चीज समझानी पड़ी मेरे को कि आइडेंटिटी नॉर्मल आइडेंटिटी नहीं लग सकती, तो वो चीज का बस ध्यान देना। अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। ठीक है, चले आगे। ठीक है, ये बेसिक मैनिपुलेशन है, इनको थोड़ा ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देखो जरा, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कल हमने जो मैथमेटिकल इंडक्शन किया था उसी से होगा इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट देखो जरा, फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है वो, देखो ए अल्फा मेरे को गिवन है, ठीक, ए अल्फा इज कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक, ये चीज गिवन है, तो वो बोल रहा है कि ये चीज प्रूव करो, दैट इज ए अल्फा इंटू ए बीटा दैट इज इक्वल टू ए ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये चीज प्रूव करो वो बोल रहा है। ठीक, अब ये चीज है क्या, तो सबसे पहले ए अल्फा तो गिवन है अपने को, तो क्या बन जाएगा ये कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, ठीक, इंटू ए बीटा। अब देखो इसी के अंदर, ठीक, अल्फा की जगह बीटा रख दो तो तुम्हारा ए बीटा बन जाएगा, तो वो बन जाएगा कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा एंड कॉस बीटा, ठीक, ये चीज। तो ध्यान से देखो ये क्या बन रहा है, दिस इज ये रो को ये कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, तो क्या बन जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, फिर रो वन को कॉलम टू के साथ मल्टीप्लाई किया वो बन जाएगा कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक, फिर रो टू को कॉलम वन के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो बन जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा, तो माइनस ऑफ कॉस अल्फा साइन बीटा, एंड यहाँ पे ये बन जाएगा माइनस ऑफ साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज पूछो, ये जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई किया रो को कॉलम के साथ, ठीक है, जो तरीका होता हमारा। अब ध्यान से देखो जो फर्स्ट वाली चीज है ये बन जाएगा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये बन जाएगा हमारा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, डायरेक्टली फॉर्मूलास बन रहे, ये बन जाएगा माइनस साइन कॉमन लेने के बाद साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक, एंड ये चीज डायरेक्टली कॉस अल्फा प्लस बीटा,
अब ये जो चीज बनी वो देखो, जो ओरिजिनल हमारे पास था ए अल्फा, इसी के अंदर अल्फा की जगह जहां जहां पे अल्फा आ रहा है राइट, ये सारे के सारे अल्फा की जगह अगर मैंने अल्फा प्लस बीटा पुट कर दिया तो ये बन जाएगा, तो दिस इज नथिंग बट ए ऑफ अल्फा प्लस बीटा। सो दैट इज हाउ वी प्रूव द फर्स्ट पार्ट। समझ आया फर्स्ट पार्ट कैसे प्रूव किया? कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो, कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो। चले आगे, ठीक। इसका सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में वो क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट ए अल्फा की पावर एन दैट इज इक्वल टू कॉस एन अल्फा साइन एन अल्फा माइनस साइन एन अल्फा एंड कॉस एन अल्फा, ये चीज होगी ठीक। वो बोल रहा है कि ये चीज प्रूव करो। अब ये चीज प्रूव करने का तरीका क्या है? ठीक, सबसे पहले तो मैथमेटिक देखो, एन वाली चीज आ रही है तो इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से करेंगे। अब इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से करने का तरीका क्या है? तो हमने क्या किया, सबसे पहले n इक्वल टू वन के लिए जो स्टेप वन होता है हमारा, n इक्वल टू वन के लिए देखा तो क्या चला जाएगा, a अल्फा की पावर वन दैट इज cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ये चीज चली जाएगी ठीक। और वो तो हमें गिवन ही है, तो n इक्वल टू वन के लिए तो टू प्रूव हो गया हमारा ठीक है। तो n इक्वल टू वन के लिए टू प्रूव है। अब हम क्या करके स्टेप टू लेके जाएंगे। स्टेप टू का मतलब क्या है, अज्यूम इट जस्ट एक सेकेंड वेट करना, आई थिंक वो सॉफ्टवेयर क्रैश किया है। हाँ जी, हाँ जी, दोबारा देखो। तो स्टेप टू में क्या था, अज्यूम इट टू बी ट्रू फॉर एन इक्वल टू के, ठीक है। तो एन इक्वल टू के लिए इसको ट्रू अज्यूम करके जाएंगे, तो दैट मीन्स ए अल्फा की पावर के That is equal to cos of alpha k sin of alpha k minus sin of alpha k and cos of alpha k. ठीक, step 3 to prove that is a alpha ki power k plus 1 that is equal to cos of alpha plus 1 k, sorry k की जगह k plus 1 आना है, तो यहां पर आएगा आपका के प्लस वन अल्फा साइन ऑफ के प्लस वन अल्फा माइनस साइन ऑफ के प्लस वन अल्फा एंड कॉस ऑफ के प्लस वन अल्फा, ये चीज अपने को टू प्रूव करनी है, मतलब प्रूव करनी है ठीक। अब इसको करने का तरीका क्या, देखो हम अगर ये जो चीज है इसको दोनों तरफ ए अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो पावर है ये पावर बन जाएगी के प्लस वन, तो अपने को जो चीज चाहिए वो मिल जाएगी। तो इसी स्टेप के अंदर मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए अल्फा, ठीक। तो एक ये वाला स्टेप जो है ये क्या बन जाएगा, दैट इज ए अल्फा की पावर के प्लस वन, लेफ्ट हैंड साइड तो ये बन जाएगा, राइट हैंड साइड क्या बनेगा, कॉस अल्फा के साइन अल्फा के माइनस साइन अल्फा के कॉस अल्फा के, ये चीज मल्टीप्लाई हो रही है किसके साथ, दैट इज कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इसके साथ, तो क्या बन जाएगा, अब ध्यान से देखो, रो इंटू कॉलम, तो क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा के इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा के, ठीक। देन जस्ट अ सेकेंड, हाँ, देन ये जो चीज है ये कॉलम टू के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा के इंटू साइन अल्फा
प्लस साइन अल्फा के इंटू कोस अल्फा। ठीक, फिर कॉलम रो टू इंटू कॉलम वन होगा, यानी साइन अल्फा के साइन अल्फा के इंटू कॉस अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा के इंटू कॉस अल्फा एंड माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा के। ठीक, एंड देन रो टू इंटू कॉलम टू होगा, तो माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा के प्लस कॉस अल्फा के इंटू कॉस अल्फा। ठीक, अब ध्यान से देखो ये क्या बना, सो दिस इज नथिंग बट ये चीज बन गई कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, दैट इज कॉस ऑफ अल्फा के प्लस अल्फा। तो अल्फा के प्लस अल्फा, तो अल्फा कॉमन आने के बाद क्या बचेगा, के प्लस वन। बेसिकली ये जो फर्स्ट है ये बन गया कॉस ऑफ के प्लस वन इंटू अल्फा, एंड जो सेकेंड है ये वाला, ये बन गया साइन ऑफ के प्लस वन इंटू अल्फा। ये जो थर्ड है इसके अंदर दोनों से नेगेटिव साइन कॉमन लिया, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ अल्फा प्लस अल्फा इंटू के प्लस वन। एंड जो लास्ट वाला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, दैट इज अगेन कॉस ऑफ के प्लस वन इंटू अल्फा। तो ये चीज बन गई, तो जो चीज प्रूव करनी थी वो चीज हो गई, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये ड्यू टू यार शॉर्टेज ऑफ स्पेस, ठीक है, इस तरीके से ये टाइट टाइट या गंदे तरीके से लिखना पड़ रहा है, बट अदरवाइज क्लासरूम में प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि क्लासरूम में हमारे पास दो बोर्ड्स हैं, तो अभी फिलहाल के लिए जब तक क्लासरूम में नहीं शिफ्ट होते तब तक मैनेज कर लिया इसी तरीके से। ठीक है, नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा समझाता हूँ, प्लीज आस्क द डाउट्स, कोई भी डाउट है तो प्लीज समझो। हाँ जी प्लीज, कोई डाउट है दोबारा समझना चाहते हो कुछ भी प्लीज ओपनली पूछो। क्लियर हुआ ये चीज, चले आगे। हाँ जी ये एक बार तुम्हें खुद प्रैक्टिस जब करोगे नोट्स को लिखोगे तब एक बार खुद करके देखनी पड़ेगी, तब जाके अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी माइनस बी स्केयर, ये हमें प्रूव करना है। एंड गिवन क्या है कि ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स दैट इज ओ। ठीक, ये हमें गिवन है, तो इसके अंदर ठीक है क्या कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो ये चीज देखो कि हमें जो राइट हैंड साइड है जो प्रूव करना है वो पकड़ा हमने। ठीक, तो दैट इज ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी माइनस बी स्केयर, तो क्या बन जाएगा जी ए क्यूब माइनस ए स्केयर बी माइनस ए बी स्केयर, फिर प्लस बी ए स्केयर माइनस बी ए बी माइनस बी क्यूब, ये बन जाएगा। ठीक, ये कुछ नेगेटिव साइन का पंगा हुआ है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अच्छा चलो यही आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो हमें दे क्या रखा है कि ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, ये हमें दे रखा है। तो ये जो चीज गिवन है इसके थ्रू हमने क्या किया, बी ए को दूसरी तरफ ले आए, तो ए बी इक्वल टू माइनस बी ए। ठीक, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो बी ए स्केयर है हमारे पास, ठीक ये चीज बी ए स्केयर है, इसको लिखा हमने बी ए इंटू ए, और ये जो बी ए है ठीक इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो हम नेगेटिव साइन इधर भी लेके आ सकते हैं, तो बी ए की वैल्यू क्या आ गई माइनस ए बी, ये बन जाएगा हमारा माइनस ए बी इंटू ए। ठीक, माइनस ए बी इंटू ए बन जाएगा, तो बी ए स्केयर
ठीक है ये करते हैं, एंड बेसिकली दो के अंदर मैनिपुलेशन करना है, वो दो अपने आप कट जाएंगे, तो ये चारों को काटना है हमें किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। तो बी ए स्क्वायर के मैनिपुलेशन से ये बन गया जो बी ए बी है, इसकी मैनिपुलेशन ये चीज। तो बी ए जो है इसकी जगह हमने लिखा बी ए की जगह माइनस ए बी, तो माइनस ए बी इंटू बी हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक। तो हमारे पास माइनस बी ए बी है, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये ए बी स्क्वायर। तो ये जो माइनस बी ए बी स्क्वायर है, माइनस बी ए बी है, ये बन जाएगा प्लस ए बी स्क्वायर, तो ये इसके साथ कटेगा, माइनस ए बी स्क्वायर एंड प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक। अब बचा हमारे पास ये चीज बी ए स्क्वायर एंड ये चीज, ठीक है। तो हमने देखो ये वाली चीज को ये लिखा, अब हम लिखते हैं इसको, इट इज माइनस ए स्क्वायर बी को, तो ये बन जाएगा हमारा, ध्यान से देखो, माइनस ए इंटू ए इंटू बी, ठीक। अब जो ए बी है उसकी जगह लिखा माइनस बी ए, तो ये बन गया माइनस ए इंटू माइनस बी ए, ये बन गया प्लस ए बी ए। तो देखो ये बन रहा है तुम्हारा माइनस ए बी ए और ये बन रहा है तुम्हारा प्लस ए बी ए, तो ये दोनों भी कट गए, तो क्या बचा ए क्यूब माइनस बी। समझ आया, कोई डाउट आया प्लीज पूछो, कोई भी डाउट है प्लीज पूछो। समझ आया, माइक ऑन कर लो प्लीज अपने, समझ आया? यस सर। यस सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। यस सर। ठीक 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 है, तो आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो यहीं पे हम मल्टीप्लिकेशन वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है वो यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। कुछ एक दो चीजें हैं वो थोड़ा सा समझते हैं, दोबारा उनको देखते हैं, ठीक है। छोटी छोटी सी चीजें हैं, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो जैसे देखो जी, तो क्वेश्चन है हमारा कि मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं कि इफ ए इज 1100100001, ठीक, देन फाइंड ए की पावर एन। तो अब बेसिकली कोई भी अगर मैट्रिक्स दे रखी हो तो उसकी पावर एन को रेज कैसे करोगे, ठीक, तो किस तरीके से करेंगे। तो वही चीज समझने के लिए हमने क्या किया कि ये जो गिवन है अपने को मैट्रिक्स, ध्यान से देखना, ये इसी तरीके से तुम्हारे इस टाइप के इन जनरल क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो जो ए है, ठीक, इसको लिखा मैंने 1000100001 प्लस 0100000000, ये लिख सकता हूँ। सो दिस विल बिकम माय आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस, लेट्स से इसका नाम दे दिया मैंने बी, तो ये बन गया ए मैट्रिक्स को मैंने आई प्लस बी लिख दिया, समझे। अब मेरे को ए की पावर एन करना है, दैट मीन्स आई प्लस बी की पावर एन करना है। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था कि ए प्लस बी की पावर जो एन है इसको मैं बाइनोमियल के थ्रू एक्सपेंड नहीं कर सकता जब तक ए एंड बी कम्यूट ना करें। लेकिन अगर ए एंड बी की जगह अगर मेरा आई प्लस बी हो गया, अब इसकी पावर एन के अंदर मैं नॉर्मल बाइनोमियल के थ्रू इसको एक्सपेंड कर सकता हूं। रीजन ये है कि आई एंड बी जो होते हैं वो ये कम्यूट करते हैं, तो आई बी इज इक्वल टू बी आई इज इक्वल टू बी होता है, तो इसलिए इसको मैं जनरल बाइनोमियल के थ्रू एक्सपेंड कर सकता हूं। तो इसको हमें बाइनोमियल के थ्रू एक्सपेंड कर सकता हूं, तो ये क्या बन जाएगा एन सी जीरो, बी तो आएगा नहीं फर्स्ट के अंदर, बी की पावर जीरो हो जाएगा, आई की पावर एन हो जाएगा, प्लस एन सी वन, बी की पावर वन, आई की पावर
तुम्हारा एन माइनस वन प्लस एन सी टू बी स्केयर, फिर क्योंकि आई को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो बी बचेगा सिर्फ, ठीक है, फिर एन सी थ्री बी क्यूब प्लस सोनटेल एन सी एन बी की पावर एन हो जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। हाँ जी मैं दोबारा बता रहा हूँ, दिया एक सेकंड माइक ऑन करके मेरे को बता दो कौन सा स्टेप दोबारा समझाने, ये वाली पावर वाला या जो अभी लिख रहा हूँ? नहीं सर शुरू से ही नहीं समझ आया। शुरू से नहीं समझ आया, तो जो अपने को मैट्रिक्स ए दे रखी है ना, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को हमने ये देखा कि अगर मैं इस पर्टिकुलर एलिमेंट को हटा दूं तो ये तो आइडेंटिटी बन जाती है, राइट। तो मैंने क्या किया, ये जो गिवन मैट्रिक्स थी इसको दो के सम में लिख दिया, एक बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड एक बन गया ये वाला मैट्रिक्स। अब क्लियर हुआ? सर आ गया, आ गया समझ। राइट राइट राइट, ठीक है, तो इसको आई प्लस बी लिख दिया, इसको बी अज्यूम कर लिया हमने, ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक। अच्छा अब आगे देखो, आगे क्या चीज जा रही है कि इसको हमने नॉर्मल बाइनोमियल के थ्रू फिर एक्सपेंड करने की कोशिश की, ठीक है, जैसे नॉर्मल बाइनोमियल के थ्रू एक्सपेंड करने की कोशिश की तो ये चीज इस तरीके से बन जाएगी। अब ये जो बी मैट्रिक्स है ना, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया कि बी है मेरा 1 0 1 0 0 0 0 0 0, ठीक, तो मैंने बी स्केयर कंप्यूट किया तो वो जाएगा 0 1 0 0 0 0 0 0 0 इनटू 0 1 0 0 0 0 0 0 0। अब इसको अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे, देखो इसको इसके साथ, ये तो तीनों जीरो है तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर सारा जीरो आ जाएगा, ये चीजें इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्योंकि ये वाला वन इस जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला वन इस जीरो के साथ, तो ये सारा का सारा नल मैट्रिक्स बन जाएगा। अब याद करो कि अगर बी क्यूब है तो वो तो बी स्केयर इंटू बी होगा, तो बी स्केयर अगर नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे वो तो नल मैट्रिक्स बन जाएगा, तो बी क्यू बी की पावर 4 एंड सो टिल बी क्यू हायर पावर्स जितनी भी सारी के सारी नल मैट्रिक्स बन जाएंगे तुम्हारी। आई होप क्लियर हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारा का सारा पार्ट तुम्हारा नल मैट्रिक्स बन जाएगा, तो तुम्हारा बचेगा क्या, सिर्फ ये वाला पार्ट। अब ये वाला पार्ट क्या है तुम्हारा, देखो ये तो वन होता है, ये आइडेंटिटी बन जाएगा, ये भी आइडेंटिटी बन जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा आई प्लस ये हो गया एन, ये तो बन गया b की पावर 1 दैट इज b, तो बेसिकली ये a की पावर n आ जाएगा, तो a की सॉरी अपना a की पावर n, तो a की पावर n का आंसर क्या आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 प्लस n टाइम्स b मैट्रिक्स, तो b मैट्रिक्स क्या थी 0 1 0 0 0 0 0 0, ये बन जाएगा तुम्हारा 1 प्लस n प्लस 0 0 1 0 0 0, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज ए की पावर n, इस तरीके से। अभी कोई भी डाउट है इस पूरे क्वेश्चन में तो प्लीज ध्यान से बताओ। हाँ जी दो मिनट रुक जाना, ये नोट कर दो। अच्छा सर। हाँ जी सर, वो तो ये छोटा सा चीज ऑब्जर्व की हमने, रेदर देन कि ये चीज कोई गिवन वगैरह थी, इसको ऑब्जर्व किया। नहीं जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, अगर इस तरीके से लिखा जा सकता तो ही होगा, अच्छा हाँ ये वाला क्वेश्चन तुम्हें याद होगा, ये कल किया था। तो इसको दोबारा देखते हैं।
हाँ जी, इसको ना दोबारा देखते हैं। तो हमने क्या किया कि ये चीज पकड़ी, ठीक है, ये चीज दैट इज ए आई प्लस बी ए की पावर एन। अब ये दोनों के दोनों कम्यूट होते हैं आई एंड ए, तो इसको मैं नॉर्मल बाइनोमियल के थ्रू एक्सपेंड कर सकता हूँ। तो क्या जाएगा मेरा एन से जीरो ए आई की पावर एन बी ए की पावर जीरो प्लस एन सी वन ए आई की पावर एन माइनस वन बी ए की पावर वन प्लस एन सी टू ए आई की पावर एन माइनस टू बी ए की पावर टू प्लस वन, हायर पावर जाती रहेगी। अब ये जो ए है दैट इज जीरो वन जीरो जीरो, हमने इसका अगेन ए स्केयर किया, ए स्केयर क्या जाएगा जीरो वन जीरो जीरो इंटू जीरो वन जीरो जीरो, ठीक। तो ये करके देखा हमने क्या आधार है, तो दिस इज इक्वल टू नथिंग बट जीरो 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 जीरो। तो बेसिकली ये सारी के सारी जितनी भी टर्म्स हैं ए स्केयर के बाद वाली, ये सारी के सारी क्या बन गई, नल मैट्रिक्स बन गई। हमारे पास क्या बचा, दैट इज ये वन होता है, ये ए की पावर एन, आई की पावर एन तो आई बन जाएगा और ये भी आई बन जाएगा, तो बेसिकली ये आई आ गया प्लस एन सी वन दैट इज एन आ गया, ए आई की पावर एन माइनस वन तो ये ए की पावर एन माइनस वन और ये आई जो है ये आई ए के साथ मल्टीप्लाई होके ये तो ए बन जाएगा, तो ये आ गया बी ए। तो यही तो चीज हमें प्रूव करनी थी, ध्यान से देखो, समझ आया। तो लेकिन ये स्कूल में नहीं कर सकते, अगर स्कूल में उन्होंने ये चीज ऐसे बोली है एन वाली चीज करनी तो तुम्हें मैथमेटिकल इंडक्शन से ही करनी पड़ेगी। याद रखो बाइनोमियल वाली जो चीज है ये तुम स्कूल में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव लेवल पे तुम यूज कर सकते हो, इस चीज को समझो। तो सर इससे पहले वाला जो भी आपने क्वेश्चन कराया था उसको हमें फिर अगर बाइनोमियल से नहीं करना तो कैसे करना है? नहीं बाइनो, उसका मेथड बाइनोमियल ही है, वो स्कूल लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है सर। हाँ जी ठीक है, चलें आगे। आई होप कुछ ये जो चीजें हैं तुम्हें मल्टीप्लिकेशन की ये कुछ समझ आ रही है, ठीक है। तो बस यहाँ से आज जो चीजें हमने क्वेश्चंस के थ्रू देखी हैं उनके थ्रू मैंने तुम्हें मेजरली यही चीज समझाने की कोशिश की है कि जो नॉर्मल आइडेंटिटीज हैं वो हमारी नहीं लगती हैं जब तक कि वो चीजें कम्यूट ना करें जिसकी हम पावर कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो कम्यूट कर रही हैं तो ही जाके हम उनको इस तरीके से इंटरचेंज वगैरह कर सकते हैं, नॉर्मल बायनोमियल के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हैं या फिर नॉर्मल आइडेंटिटीज हम लगा सकते हैं, अदरवाइज हम उनके अंदर नॉर्मल आइडेंटिटीज भी नहीं लगा सकते, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक, अब आगे चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, अब क्या चीज है तुम्हारा नेक्स्ट जो पर्टिकुलर टॉपिक है दैट इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो बहुत छोटा सा चीज है ट्रांसपोज, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना ये अगेन क्या चीज है, ठीक है। देखो तो अगर कोई भी मैट्रिक्स मेरे को गिवन है ए, ठीक, तो ट्रांसपोज ऑफ ए इस तरीके से लिखते हैं, ए की पावर में टी लिखते हैं, ठीक। तो ए की पावर टी में लिखने का मतलब क्या है कि इसका होगा क्या, तो ए की पावर टी जो होता है ए ट्रांसपोज इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग its rows to columns or columns to rows, तो उनमें से कोई भी एक काम कर दो, रोज को कॉलम बना दो या कॉलम को रोज बना दो तो तुम्हारा ए ट्रांसपोज हो जाएगा। जैसे अब देखो जरा, इसके लिए जरूरी नहीं स्केयर मैट्रिक्स हो, तो कोई भी हो सकते हैं, जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है, ठीक। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, तो ये जो रो वन है इसको कॉलम वन बना दो तो ये बन जाएगा वन टू थ्री, ये जो रो टू है इसको कॉलम टू बना दो तो बन जाएगा फोर फाइव सिक्स, राइट। तो ये ए ट्रांसपोज हो गया। तो बेसिकली ए ट्रांसपोज के अंदर क्या क्या चीजें हो रही है, अब ना ध्यान से ऑब्जर्व करना, अगर ए हमारा टू क्रॉस थ्री है तो ए ट्रांसपोज हो जाएगा थ्री क्रॉस थ्री, यानी कि जो एम है
नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम बन जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज बन जाएंगे. ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि रोज को कॉलम में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, कॉलम्स को रोज में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. हाँ जी चिराग सर, दोबारा डिस्कनेक्ट हो गया. हाँ मैं जस्ट ये चीज बोल रहा हूँ कि एक का ट्रांसपोज जो होता है वो कैसे आएगा, रोज को कॉलम्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे एंड कॉलम्स को रोज में ट्रांसफॉर्म करेंगे. ठीक है, तो जैसे ए है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर ये रो 1 है ये रो 2 है. ठीक, तो रो 1 जो है 1 2 3 इसको हमने कॉलम 1 में ट्रांसफॉर्म कर दिया, ये जो रो 2 थी इसको हमने कॉलम 2 में ट्रांसफॉर्म कर दिया. तो ये जो चीज है ये बन गई ए ट्रांसफॉर्म. अब इसके साथ साथ हुआ क्या, पहली चीज क्या है कि जो ऑर्डर है ऑर्डर रिवर्स हो जाता है. ठीक, तो अगर ए का ऑर्डर है m क्रॉस n तो ए ट्रांसपोज का जो ऑर्डर है वो n क्रॉस m हो जाएगा. पहली चीज तो ये होगी. ठीक, क्योंकि रो कॉलम में ट्रांसफॉर्म हो रही है और जो कॉलम है वो रो में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये चीज हो रही है. सेकंड चीज ये हो रही है कि जो ए आई जे था ए के अंदर, ठीक, जो ए आई जे था ए के अंदर मतलब जो भी उसकी पोजीशन थी वो ए ट्रांसपोज के अंदर ये बन जाएगा ए जे आई. मतलब इसका रो पोजीशन एंड कॉलम पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी. खुद सोचो, जैसे देखो ये जो एलिमेंट है 2, इसकी पोजीशन क्या है 1,2, राइट. अब ये जो 2 है इसकी पोजीशन क्या है 2,1, राइट. तो जो 1,2 था वो 2,1 बन गया. आई होप क्लियर हुआ. तो जो पोजीशन आई जे थी वो जी आई होगी. क्यों, ये ऐसा क्यों हुआ यार, बड़ी सिंपल सी बात है. जब रो को मैं कॉलम में ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ तो जो रो पोजीशन है और कॉलम पोजीशन है ये भी तो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी. ठीक, तो ये रो पोजीशन कॉलम पोजीशन आपस में इंटरचेंज हो गए. अब जैसे देखो ये 6 है, 6 क्या है मेरा 2,3 पोजीशन पे. अब ये 6 कहाँ पे है, 3,2 पोजीशन पे, अगेन इंटरचेंज हो गया. ठीक, ये 1 वाली चीज 1 ही रही. ध्यान से देखो ये 1 वाली चीज 1 ही रही. क्यों, क्योंकि ये 1 वाली की पोजीशन क्या है 1,1, तो इसका इंटरचेंज करोगे वापस तो यही रहेगा. ये 5 जो है ये 2,2 है इसलिए ये वापस 2,2 रहा. कहने का मतलब ये है जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये अपनी पोजीशन इंटरचेंज नहीं करेंगे. क्यों, क्योंकि डायगोनल का ऑलरेडी रो पोजीशन एंड कॉलम पोजीशन सेम होता है इसलिए ये पोजीशन अपनी इंटरचेंज नहीं करेंगे. ठीक है दक्ष, ये एसेट क्या है, दक्ष सर ये ट्रांसपोज रिपीट कर दो प्लीज, नेटवर्क ट्रांसपोज रिपीट कर दो. मैं दोबारा एग्जांपल देता हूं, उसके थ्रू मैं दोबारा बताता हूं. शुरू से सुन ले कोई प्लीज. हां जी हां जी, मैं दोबारा बता रहा हूं. अरे दोबारा बता रहा हूं, यहां पे डायगोनल वाला क्या बताया था अभी फिर से बताना. मैं सारा का सारा चीज दोबारा क्लियर कर रहा हूं. ठीक है, दोबारा समझो इस चीज को. अगर मान लो ए मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3 4 5 6, ठीक, दिस इज रो 1 दिस इज रो 2, ठीक, तो ए ट्रांसपोज जो होगा उसके अंदर जो ए की रो है वो ए ट्रांसपोज में कॉलम बन जाएगा इस तरीके से 1 2 3, जो रो 2 है वो कॉलम 2 बन जाएगा 4 5 एंड 6 इस तरीके से. तो समझो हो क्या रहा है, जो रो है वो कॉलम में ट्रांसफॉर्म हो रही है और जो कॉलम है वो देखो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ रो जो थी ये कॉलम बन गया, और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये जो कॉलम है ठीक फर्स्ट कॉलम ये फर्स्ट रो बन गया. मैं कैसे भी बोल सकता हूँ, ठीक है, रो कॉलम बन गया और सारे के सारे जो कॉलम्स हैं वो रोज बन गए. ठीक है, जैसे मर्जी तुम बोल सकते हो. ठीक है, इस चीज को समझने की कोशिश करो कि हो क्या रहा है. ठीक, क्लियर हुआ अभी तक? ठीक, अब देखो दो प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने अभी तक तुम्हें दोबारा बताई हैं इनके अंदर. तो एक सेकेंड, हाँ ट्रेस रिमेन सेम. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वो मैं अभी आ रहा हूँ आदित्य इस पे आ रहा हूँ. ठीक है, अब मैंने दो प्रॉपर्टीज इसके अंदर बताई. पहली कि जो तुम्हारा ऑर्डर है वो इंटरचेंज हो जाएगा. ठीक है, ऑर्डर जो है वो उल्टा हो जाएगा. तो अब ध्यान से देखो ये चीज कि पहले इसका ऑर्डर था ए का 2 क्रॉस 3, अब ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो गया 3 क्रॉस 2. तो पहले अगर ए का ऑर्डर मेरा एम क्रॉस एन है तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या चला जाएगा एन क्रॉस एन, ये चीज समझो. ठीक, तो ऑर्डर जो है वो इंटरचेंज हो जाएगा. सेकंड मैंने ये चीज बताई कि ए के अंदर कोई भी एलिमेंट जो ए आई जे है वो ए ट्रांसपोज में उसकी पोजीशन चली जाएगी ए जे आई, मतलब उसका रो पोजीशन एंड कॉलम पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगा. ये जो रो पोजीशन था ये अब कॉलम पोजीशन बन जाएगा, जो पहले कॉलम पोजीशन था अब वो रो पोजीशन बन जाएगा. ध्यान से देखो कैसे,
ये जो 4 है इसकी पोजीशन क्या है 2,1 राइट, ये जो 4 है इसकी पोजीशन क्या है 2,1 राइट। अब ये 4 कहां पे चला गया 1,2 पे, तो ये जो 2,1 था ये 1,2 बन गया, क्यों, क्योंकि जो इसकी रो पोजीशन है एंड जो इसकी कॉलम पोजीशन है ये दोनों के दोनों इंटरचेंज हो इस तरीके से ठीक। लेकिन ये जो 5 है ये 5 का अपनी सेम पोजीशन पे रहा 2,2 राइट, क्यों, क्योंकि इसका ऑलरेडी 2,2 है, तो इन दोनों को अगर मैं इंटरचेंज करूंगा भी तब भी ये 2 and 2 ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये है ट्रांसपोज के बाद जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेम रहते हैं, ठीक है, समझ आया चीज, ट्रांसपोज के बाद डायगोनल एलिमेंट्स रिमेन सेम, अदरवाइज बाकी हर एक जो एलिमेंट होता है उसका आई एन जे इंटरचेंज हो जाता है। तो डायगोनल एलिमेंट्स रिमेन एट सेम पोजीशन, ये सेम पोजीशन पे रहेंगे डायगोनल एलिमेंट्स, बाकी हर एक एलिमेंट का आई एन जे इंटरचेंज हो जाएगा। एक्चुअली में डायगोनल का भी होता है लेकिन वो उसका आई एन जे सेम होता है तो वापस वो वही बन जाएगा इसलिए, ठीक। अब जैसे देखो स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल देता हूँ, डायगोनल एलिमेंट्स की मैं बात करूं भाई, डायगोनल की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान से समझो, ठीक है ना। डायगोनल एलिमेंट क्या होता है बेसिकली, जिसका आई एन जे बराबर होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, अब इसके अंदर देखो जब मैंने ए ट्रांसपोज किया तो ये जो रो है ये कॉलम में बन गई, तो ए बी सी, ये जो रो है ये कॉलम में बन गया, तो डी ई एफ, ऐसे ही जी एच आई। अब ध्यान से देखो हुआ क्या, ये जो डायगोनल है इट विल रिमेन द सेम राइट। अब जो बी है, बी अब इस डायगोनल के बोर्ड एक्चुअली में इंटरचेंज हो गए, देखो जी बी एंड डी इंटरचेंज हो गए, जी एंड सी इंटरचेंज हो गया, एच एंड एफ इंटरचेंज हो गया, समझे चीज। तो ये ट्रांसपोज होता है, आई होप ट्रांसपोज क्लियर हुआ अभी, हाँ जी क्लियर हुआ, ठीक। कोई डाउट सर, एक बार रिपीट कर दो, वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर मैंने ट्रांसपोज करके दिखाया क्या चीज चली जाएगी, तो ये जो रो है ये कॉलम में कन्वर्ट हो गई, ये जो रो है ये इस कॉलम में कन्वर्ट हो गई, ये जो ये वाली रो है थर्ड रो ये थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो गई। तो इसके अंदर हुआ क्या, जो हमारा डायगनल है ये डायगनल सेम रही, डायगनल चेंज नहीं किया, लेकिन इस डायगनल के अबाउट एलिमेंट्स जो है ये इंटरचेंज हो गए, तो जो पहले डी नीचे था बी ऊपर था, अब वो बी नीचे आ गया डी ऊपर, ठीक, जी नीचे था जी ऊपर चला गया, सी ऊपर था सी नीचे आ गया, एच नीचे था एच ऊपर चला गया, एफ ऊपर था एफ नीचे आ गया, ठीक। तो जो एलिमेंट्स हैं डायगोनल के अबाउट इंटरचेंज हो, दिस इज ट्रांसपोज, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है तो बस वही अपना मेथड याद रखो, रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना, कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करना, बस वही मेथड याद, ठीक है, इस तरीके से चले आगे चले, ठीक। जस्ट एक सेकेंड होल्ड करना, हाँ जी तो आगे चल रहे हैं। अभी इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हैं एक दो वो देख रहे हैं, पहला, ठीक है, प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखना। पहला है ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है वो वापस ए हो जाएगा, मतलब दो बार ट्रांसपोज करूंगा तो होगा क्या, पहले रो कॉलम में कन्वर्ट होगा, कॉलम वापस रो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो वापस ए बन जाएगा। सेकंड, ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज जो होता है वो ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज हो जाएगा, मतलब एडिशन सबट्रैक्शन पे एज इट इज वो ट्रांसपोज जो है वो ओपन हो जाएगा। अब कांस्टेंट के साथ ट्रांसपोज कर रहा हूँ तो कांस्टेंट एज इट इज बाहर आ जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोज जो प्रॉपर्टी है वो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है, ठीक, ये ए ट्रांसपोज बन जाएगा। अब जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, ठीक, दिस इज कॉल्ड रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज। अब ये क्या चीज है,
कि अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है और उनका ट्रांसपोज हो रहा है तो सबसे पहले b का ट्रांसपोज आएगा, जो बाद वाली है उसका ट्रांसपोज पहले आएगा, बाद में a का ट्रांसपोज आएगा, फिर जाके ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक, एग्जाम्पल एग्जाम्पल सॉरी इसका और देखो, ए बी सी का ट्रांसपोज, तो ये क्या बन जाएगा, सी का ट्रांसपोज फिर बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज, मतलब ये ऑर्डर जो है ये रिवर्स हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड द रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज। ये मल्टीप्लाई के अंदर रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज जो है ये काम करता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। अच्छा, अब इसके अलावा ठीक क्वेश्चन है जो हमें देखने हैं पहले। ठीक, अब ध्यान से देखना क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन ये है, जैसे देखो क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, कि एक हमें कॉलम मैट्रिक्स दे रखी है, बी एक हमें रो मैट्रिक्स दे रखी है, तो प्रूफ करने के लिए वो बोल रहे हैं कि ए बी का जो ट्रांसपोज है वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज जो है ये बराबर रहेगा। ठीक है, ये अपने को वेरीफाई करना। तो कुछ नहीं, हमने क्या किया, ए इंटू बी कर दिया, तो फिर उसके बाद ट्रांसपोज किया तो क्या बन जाएगा, ये माइनस वन टू थ्री इंटू माइनस टू माइनस वन माइनस फोर। ठीक, तो दिस इज योर थ्री क्रॉस वन, दिस इज वन क्रॉस थ्री। ठीक, तो क्या बन जाएगा, ये वन वन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक, तो ये थ्री क्रॉस थ्री कौन सी मैट्रिक्स बन रही है, पहले हम ए बी निकाल रहे हैं, ये ट्रांसपोज रहने, तो पहले हम ए बी निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट रो इंटू दिस, तो ये बन जाएगा टू, दिस इंटू दिस ये बन जाएगा तुम्हारा वन, दिस इंटू दिस ये बन जाएगा तुम्हारा फोर, फिर रो वन इंटू कॉलम, तो दिस इज माइनस फोर, दिस इंटू दिस तो ये बन जाएगा माइनस टू, दिस इंटू दिस तो ये बन जाएगा माइनस एट, दिस इंटू दिस ये बन जाएगा माइनस सिक्स, दिस इंटू दिस ये बन जाएगा माइनस थ्री, दिस इंटू दिस ये बन जाएगा माइनस ट्वेल्व। ये बन गया ए बी। अब हमें करना है ए बी का ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज क्या जा रहा है, देखो ये रो जो है इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तो टू वन फोर, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया तो माइनस फोर माइनस टू माइनस एट, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया तो दैट इज माइनस सिक्स माइनस थ्री माइनस ट्वेल्व। ये आया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड निकालना है। राइट हैंड साइड में क्या करना है, पहले बी ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज क्या जाएगा, ध्यान से देखो b ट्रांसपोज। ठीक, तो अगर ये एक रो है तो ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा माइनस टू माइनस वन माइनस फोर, एंड a का ट्रांसपोज। ठीक, ये अगर रो मैट्रिक्स है, एक कॉलम है, तो ये रो में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज माइनस वन टू थ्री। अब हमें करना है b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज, क्या बन जाएगा ये माइनस टू माइनस वन माइनस फोर इंटू माइनस वन टू थ्री। ठीक, तो ध्यान से देखो क्या बनेगा, तो दिस इंटू दिस दैट इज टू, दिस इंटू दिस दैट इज माइनस फोर, दिस इंटू दिस दैट इज माइनस सिक्स, दिस इंटू दिस दैट इज वन, दिस इंटू दिस दैट इज माइनस टू, रो टू इंटू कॉलम थ्री दैट इज माइनस थ्री, रो थ्री इंटू कॉलम वन दैट इज फोर, रो थ्री इंटू कॉलम टू दैट इज माइनस एट। ठीक, देन रो थ्री इंटू कॉलम थ्री दैट इज माइनस ट्वेल्व। तो ध्यान से देखो ये दोनों बराबर आ गए, हेंस ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज वेरीफाइड। ये वेरीफाई करते हमने, आई होप क्लियर हुआ ये क्वेश्चन कैसे किया, समझ आया पक्का। ठीक, आगे चल रहे हैं हम। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ मैट्रिक्स ए इज गिवन टू बी दिस। ठीक, एंड इट सेटिस्फाइज दिस कंडीशन, क्या कि ए ट्रांसपोज इनटू ए दैट इज इक्वल टू आई। ठीक, ए ट्रांसपोज इनटू ए दैट इज इक्वल टू आई। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकाला। अच्छा याद रखना, ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, ये अभी कल वाले लेक्चर में हमारा आ जाएगा, अगर कोई भी मैट्रिक्स ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है, इन दैट केस ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये कॉम्पिटिटिव लेवल पे यूज होती है टर्म, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, तो याद रखना कि ए को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है वो कल ही हम देखेंगे। ठीक है, अभी बस फिलहाल इसको ऐसे ही समझने की कोशिश करो।
ठीक है यार जो नए बच्चे हैं ना इनको मैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव बैच है इसके अंदर थोड़ी थोड़ी चीजें कॉम्पिटिटिव की भी हम करेंगे। इसके अंदर जनरली पता क्या होता है कॉम्पिटिटिव लेवल पे इंटरमिक्सिंग ऑफ टॉपिक्स होता है। इंटरमिक्सिंग ऑफ टॉपिक्स का मतलब यह है कि कुछ टॉपिक्स अगले वाले जो है वो तुम्हें पहले करा दिए जाएंगे कुछ, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल पे क्या होता है कि सिंगल टॉपिक का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, उनके अंदर इंटरमिक्सिंग चाहिए रहती है। तो जैसे इंटरमिक्सिंग आएगी तो तुम्हें लगेगा कि यार ये क्या चीज हो रही है। तो देखो थोड़ी थोड़ी चीजें तुम्हें इलेवंथ में भी इसी तरीके से होता है, ट्वेल्थ में भी इसी तरीके से होता है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। तो अभी भी जैसे इसके अंदर जो है मैंने काफी हद तक इंट्रोड्यूस कराया नहीं क्योंकि ये ऑनलाइन लेक्चर है, लेकिन एक दो लेक्चर के अंदर अंदर ये चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, जैसे ये चीजें आएंगी तो तुम्हें करना क्या है कि ध्यान से समझने की कोशिश करनी होगी। ठीक है, अब देखो जरा दो ऑर्थोगोनल मैं एक दो दिन में समझा दूंगा, एक दो लेक्चर के अंदर। अब देखो जरा क्या हो रहा है। तो ए ट्रांसपोज इनटू ए, सबसे पहले ए ट्रांसपोज किया तो ये जो रो है ये कॉलम बन गया 0 2y z। ठीक, ये बन गया एक्स वाई माइनस जेड, ये एक्स माइनस वाई जेड इंटू 0 2y z एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड दैट इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो ये बना क्या। ठीक, ये बना 0 into 0 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये बन गया तुम्हारा 2x square। फिर रो 1 into column दिस, तो 0 ये 0 हो गया, ये एक्स वाई हो गया, ये माइनस एक्स वाई, तो ये 0 बन गया। फिर दिस इंटू दिस दैट इज 0, ये माइनस एक्स जेड बन गया, ये प्लस एक्स जेड, ये भी 0। ठीक, देन दिस इंटू दिस 0, ये माइनस वाई एक्स बन गया, ये प्लस एक्स वाई बन गया, तो ये भी 0 हो गया। फिर 2y into 2y 4y square प्लस y square प्लस y square, तो दैट इज 6y square। ऐसे ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 जाएगा और लास्ट वाला बन जाएगा तुम्हारा z square, तो 3z square। ठीक, ये चीज बन जाएगी 3z square। ठीक, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये जो चीज है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दैट मीन्स योर 2x square दैट शुड बी 1, तो x इज प्लस माइनस 1/√2। 6y square इज इक्वल टू 1, तो y इज प्लस माइनस 1/√6। एंड योर 3z square दैट इज 1, तो z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो ये वैल्यूज आ गए तुम्हारी x y z की अगर ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। आई होप क्लियर हुआ क्वेश्चन। ठीक, चलें आगे चलें। ठीक, देखो क्या बोल रहे हैं कि इफ ए इज कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड इट इज गिवन दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज That is equal to I. Then find the value of alpha. So A to ye raha, A transpose. That is cos alpha minus sin alpha cos alpha. Ab in dono ka karna hai plus. So plus karke kya jayega dekho? Cos plus cos. 2 cos alpha. Theek. Minus sin plus sin 0. Sin minus sin 0. cos alpha plus cos alpha 2 cos alpha that is equal to I दे रखा है हमें that is 1 0 0 1, तो यहाँ से 2 cos alpha is equal to 1, तो cos alpha is equal to 1, तो alpha is equal to क्या जाएगा तुम्हारा 1 कब होता है 2 and 5, 0 degree, 360 degree and so on। ठीक है, ये 60 का मतलब क्या है, डिग्री नहीं होगा। हाँ जी, सॉरी 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 सॉरी, ये 1/2 आएगा। ठीक, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना जाएगा तुम्हारा 60 डिग्री जाएगा, तो 2 एंड पाई
प्लस माइनस 60 डिग्री, ये इन जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा तुम्हारा। बेसिकली 60 की जगह पाई बाय 3 लिखना पड़ेगा रेडियन में, ठीक, तो पाई बाय 3 जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से। वो गलती से मैंने मान ले लिया था, ठीक है, चले आगे। ठीक, देखो, ठीक है, तो ये था तुम्हारा ट्रांसपोज सारा का सारा। ठीक, अभी आ रहे हैं सिमेट्रिक एंड टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। ठीक, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये भी बहुत सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, तो सिमेट्रिक एंड टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेसिकली क्या चीज है, ये सिमेट्रिक एंड टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ट्रांसपोज का ही एक आगे एडिशनली क्या चीज है कि प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर वो चीज सेटिस्फाई करती है तो उसके थ्रू हम आगे देखने की कोशिश करते हैं इस तरीके से। देखो जरा, ये जगह बना लेते हैं। हाँ जी, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर तुमने देखा होगा कि अगर मेरा ऑर्डर n क्रॉस n है तो उसका ट्रांसपोज लेने के बाद भी जो ऑर्डर रहता है वो सेम रहता है। ठीक है, वो ऑर्डर जो है वो चेंज नहीं करता है। ठीक, तो इसी के ऊपर ये प्रॉपर्टी है हमारी। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी है देखो जरा, एक सेकेंड ना, देखो, तो ए अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक, हमने ए ट्रांसपोज किया, अगर वो वापस ए आ गया, ठीक, देन ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड ए ट्रांसपोज करने के बाद अगर माइनस ए आया, देन ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए सिमेट्रिक बन जाएगा या तो ए स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि ए का ट्रांसपोज करने के बाद वो वापस ए बन रहा है या माइनस ए बन रहा है स्क्यू। ठीक, तो सर, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी तो सेम होने चाहिए। हाँ हाँ हाँ, वो एक्चुअली में मैट्रिक्स जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो किस कौन सी चीज को प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल देखो, जरा देखो एग्जाम्पल, ए अगर ऐसा है 1 2 3 2 4 5 3 5 6, ठीक, ये मैट्रिक्स है। तो ध्यान से देखो, मैंने ए ट्रांसपोज किया तो क्या बन जाएगा, ये जो 1 2 3 है ये वर्टिकल बन जाएगा 1 2 3, ये जो 2 4 5 है ये बन जाएगा 2 4 5, ये 3 5 6 है ये बन जाएगा 3 5 6। अब ध्यान से देखो, ये वापस सेम बन गया 1 2 3 1 2 3, 2 4 5 2 4 5, 3 5 6 3 5 6। So that is why इस particular matrix के लिए A transpose equal to A आ गया, यानी कि ये जो given matrix है this is symmetric matrix, ये symmetric matrix होगी, ये चीज की बात कर रहा हूँ, समझे? ठीक, अब एक और example देखो जरा, इसी के parallel अगर मैंने एक example ली ऐसे 0 1 2 -1 0 4 -2 -4 0, ठीक, अब मैंने ए ट्रांसपोज किया तो ये जो है ये बन जाएगा 0 1 2, ये बन जाएगा -1 0 4, ये बन जाएगा तुम्हारा -2 -4 0। अब ध्यान से देखो, सब सारे के सारे एलिमेंट से माइनस साइन कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा, ये माइनस ऑफ 0 1 2 -1 0 4 -2 -4 0, एंड ये तो वापस ओरिजिनल ए बन गया, ये बन गया माइनस ऑफ, यानी कि ए ट्रांसपोज की क्या आ गया, माइनस ऑफ ए आ गया। सो दैट इज व्हाई ये जो चीज है ये हमारा क्या बन जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जो ए है इन दिस केस, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप क्लियर हुआ। सर, हम ऐसा कह सकते हैं कि सिमेट्रिक में जो ट्रांसपोज है और जो ए मैट्रिक्स है उनके जो अपर ट्राइंगल के एलिमेंट्स है और जो लोअर के हैं वो सेम है,
Exactly. वो मैं अभी मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा हो क्या रहा बेसिकली. हाँ जी चिराग सर, जरूरी नहीं है ना कि कोई मैट्रिक्स या तो सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक. नहीं, बिल्कुल हो सकती है. बिल्कुल ये हमने बोला ही नहीं कि जो मैट्रिक्स है या तो सिमेट्रिक होगी या तो स्क्यू सिमेट्रिक होगी. नहीं, दोनों में से कुछ भी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. इट कैन नाइदर बी सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक. ठीक है ना, दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी नहीं फॉलो. बिल्कुल ऐसा हो सकता है. ठीक है हाँ. तो हाँ जी, अब ध्यान से देखो जरा क्या चीज जा रही है. दक्ष इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स एन एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. बिल्कुल भाई, बिल्कुल आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है. ठीक है, अब ध्यान से देखो. तो अब हमने क्या किया, ये चीज पकड़ी जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसके अंदर ऑब्जर्व मैट्रिक्स को हम बोल सकते हैं सिमेट्रिक बेस्ड या सिमेट्रिक. हां जी बिल्कुल. ठीक है अच्छा. तो अब देखो जरा क्या जा रहा है कि जो ए मैट्रिक्स गिवन दिया हमें, ठीक, इसके अंदर हमने ये देखा जो सिमेट्रिक जा रही है, ये जो डायगोनल है वो, ठीक, ये जो डायगोनल है, ठीक, डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक आ रहे हैं एलिमेंट्स. ध्यान से देखो. सो दैट इज व्हाई ट्रांसपोज करने के बाद ये सेम चीज बन जाएगी. तो इसीलिए इसका ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए रहता है. एंड जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज हैं. पहला, डायगोनल एलिमेंट्स इसके होते हैं जीरो. ठीक, दूसरा, जो भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसके अबाउट जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के नेगेटिव है, वो सेम नहीं है अभी, तो इसलिए वो होती है स्क्यू सिमेट्रिक. ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज इसके अंदर. क्या, कि इसके अंदर पहला डायगोनल एलिमेंट्स सारे जीरो रहेंगे एंड एलिमेंट्स आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर अबाउट डायगोनल. ठीक, इसके अंदर अबाउट डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम. ठीक, एलिमेंट सेम रहते हैं. आई होप क्लियर हुआ. ठीक, ये चीज जो है कि डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, ये हम प्रूफ भी कर सकते हैं. ठीक है, कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं. देखो कैसे प्रूव कर सकते हैं, कि अगर ए मैट्रिक्स है मेरी ए आई जे, ठीक, तो ए ट्रांसपोज, अच्छा, इसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो ए आई आई टाइप के होंगे. ठीक, ये होंगे डायगोनल एलिमेंट्स. ठीक, अब अगर ए ट्रांसपोज किया तो डायगोनल एलिमेंट्स तो सेम रहेंगे. ठीक, डायगोनल एलिमेंट्स रिमेन्स सेम. ठीक, तो वो वापस ए आई आई रहेगा. लेकिन हमें गिवन क्या है, बिकॉज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए. सो दैट इज वाई इसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या रहेंगे, ए आई आई, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई आई हो जाएगा डायगोनल एलिमेंट्स को कंपेयर करके. यानी कि ट्वाइस ऑफ ए आई आई दैट इज इक्वल टू जीरो, तो ए आई आई इज इक्वल टू जीरो. कहने का मतलब ये है कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे जीरो. समझ आया ये क्या किया, नहीं समझ आया प्लीज पूछो. रिपीट करो ध्यान से देखो. मैं दोबारा ये चीज सारी की सारी बता रहा हूँ. ठीक है, ध्यान से देखो. एक सेकेंड, देखो हम क्या बोल रहे हैं कि मान लो ऐसा है ए आई ए वन वन, ए वन टू टू, ए थ्री थ्री एंड सो ऑन टिल ए एन एन. ठीक, अब जब इसका ट्रांसपोज लिया तो ट्रांसपोज लेके डायगोनल एलिमेंट्स तो सेम रहेंगे, राइट. तो ये ए वन वन, ए टू टू, ए थ्री थ्री, सो ऑन टिल ए एन एन रहेगा. ठीक, अब दिस इज बेसिकली ए एंड दिस इज ए ट्रांसपोज, क्योंकि ए ट्रांसपोज के बाद डायगोनल एलिमेंट्स तो सेम रहेंगे ना, डायगोनल एलिमेंट्स चेंज नहीं करेंगे, बस इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये वाले एलिमेंट्स इंटरचेंज हो जाएंगे.
ठीक, ये वाले एलिमेंट्स इंटरचेंज हो जाएंगे। तो अब ध्यान से देखो, ड्यू टू इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि हमें गिवन क्या है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, राइट, तो यहाँ पे अब माइनस आना चाहिए, तो क्या बनेगा तुम्हारा, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस, यानी कि तुम्हारा क्या रहेगा, ए वन वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वन वन, सिमिलरली ए टू टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए टू टू, और इन जनरल ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई आई, राइट, तो ट्वाइस ऑफ ए आई आई दैट इज इक्वल टू जीरो, और इन शॉर्ट ए आई आई इज इक्वल टू जीरो, ये रहेगा। ये चीज समझ में आई, तो यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, ये हमेशा जीरो रहेंगे जो मर्जी हो जाए। ये चीज डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं, सॉरी ये नहीं, ये जो ऊपर बोला था, हाँ ये जो डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, ये हमेशा जीरो रहेंगे जो मर्जी हो जाए। आई होप क्लियर हुआ, ठीक, चले आगे। ठीक है, तो अब ना कुछ अगेन प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, तो ध्यान से ऑब्जर्व करो इन प्रॉपर्टीज को, ठीक, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उसके बाद इसके ये जो क्वेश्चंस हैं ये हम करते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर ए जो है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक, सिमेट्रिक हो चाहे ना हो, स्क्यू सिमेट्रिक हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी इन जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, देन फर्स्ट प्रॉपर्टी, जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है, जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है, इट विल ऑलवेज बी सिमेट्रिक, ठीक। सेकेंड, ए माइनस ए ट्रांसपोज विल ऑलवेज बी स्क्यू सिमेट्रिक, दिस विल ऑलवेज बी स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक। अब ध्यान से देखो क्या चीज है, एग्जांपल लेता हूं, जैसे ए मान लो कोई भी मैट्रिक्स लेनी है, वन टू थ्री फोर, तो देखो ये डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, तो इट इज नॉट अ स्क्यूमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं है, इट इज नॉट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो इन जनरल कोई भी मैंने रेंडम मैट्रिक्स ली, जरूरी नहीं वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। अब मैंने क्या किया, देखो ए ट्रांसपोज, ठीक, ए ट्रांसपोज, तो क्या आ जाएगा इसका ट्रांसपोज, वन टू थ्री फोर। अब मैंने क्या किया, a प्लस ए ट्रांसपोज किया, ये फर्स्ट पॉइंट करके देखा, ठीक, तो क्या जा रहा है, वन प्लस वन क्या हो जाएगा, टू, टू प्लस थ्री क्या हो जाएगा, फाइव, थ्री प्लस टू क्या हो जाएगा, फाइव, एंड फोर प्लस फोर क्या हो जाएगा, एट। अब ध्यान से देखो ये क्या बन गया है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। आई होप क्लियर हुआ, तो a प्लस ए ट्रांस, तो a कोई भी मैट्रिक्स हो, a प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक बन गया है, ठीक, सो दिस इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। ऐसे सेकेंड पॉइंट मैं कर रहा हूँ, a माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक। अब देखो दिस माइनस दिस, तो वन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो, टू माइनस थ्री क्या हो जाएगा, माइनस वन, थ्री माइनस टू क्या हो जाएगा, वन, फोर माइनस फोर क्या हो जाएगा, जीरो। तो देखो ध्यान से, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, समझे, सो दैट इज वाई आई एम सेइंग दैट कि a माइनस ए ट्रांसपोज जो है ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा। यहाँ पे कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, समझ आया विद एग्जाम्पल ये क्या हो रहा है, ठीक। अब इसको प्रूव करते हैं, मैथमेटिकली प्रूव करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमने ये देखा कि a प्लस ए ट्रांसपोज, देखो किसी भी मैट्रिक्स को अगर मेरे को सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो मैं उसका ट्रांसपोज करूंगा। अगर ट्रांसपोज करने के बाद वापस वही वाली मैट्रिक्स हमें मिल गई तो वो बन जाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर ट्रांसपोज करने के बाद नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स मिला तो वो बन जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली चलेंगे कि अगर ट्रांसपोज करने के बाद मेरे को वापस वही वाली मैट्रिक्स मिली तो मेरा बन जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ट्रांसपोज करने के बाद मेरे को वापस वही वाली मैट्रिक्स के साथ साथ एक नेगेटिव साइन भी मिला तो वो बन जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हमने क्या किया,
ये मैट्रिक्स को पकड़ा. दिस इज अ सिंगल मैट्रिक्स बाय द वे, इट इज अ एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, बट ये एक सिंगल मैट्रिक्स है. अब इसका किया हमने ट्रांसपोज, ठीक, तो क्या बन गया जे, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, क्योंकि एडिशन के ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ये बन जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए. तो देखो ये जो मैट्रिक्स थी इसका ट्रांसपोज किया वापस वही मैट्रिक्स बन गई, तो दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक, अब हमने किया दूसरी वाली चीज पकड़ी, दैट इज ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया, तो क्या बन जाएगा जी, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, सो दैट इज ए ट्रांसपोज माइनस ए. अब इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो ये बन गया ए माइनस ए ट्रांसपोज. अब ध्यान से देखो, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया तो माइनस ऑफ, ठीक, हाँ, तो क्या बन गया ये माइनस ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स बन गई. समझ आया चीज, तो दैट इज वाई ए माइनस ए ट्रांसपोज होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है. प्लीज अगर इन दोनों बेसिक प्रॉपर्टीज में किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज दोबारा पूछो, अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज दोबारा पूछो. क्लियर हुआ ये चीज, पक्का क्लियर हुआ? ठीक, चलो आगे चल रहे हैं. नाउ इसी के अंदर थर्ड, तो पहली प्रॉपर्टी थी कि अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है देन ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक रहेगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक रहेगा. ठीक, और सेकेंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी ध्यान से देखना, आई कैन राइट ए एज 2a by 2 and I can write this as 2a plus a transpose minus a transpose sir by 2. हाँ जी, ये जो second property करवाई है आपने a minus a transpose का whole transpose. हाँ जी, ये proof किया उसको मैंने second को, ये इसको second को proof किया. हाँ तो फिर last के अंदर ये पूरा a बन जाएगा, a matrix बन जाएगा पूरा. ये कैसे बन जाएगा जी, क्योंकि नेगेटिव ऑफ ओ एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. क्या 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 नेगेटिव ऑफ क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता ना ये भाई. एक बात बता मैंने ए को सिमेट्रिक बोला या स्क्यू सिमेट्रिक बोला? तो तू ए ट्रांसपोज को, ए तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होगा या ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होगा पहले ये बता. ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए भाई कुछ भी नहीं होगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है. A is not a symmetric or skew symmetric matrix. ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को. देख इस क्वेश्चन के अंदर A क्या है? A is any square matrix. क्या ये square symmetric है? नहीं. क्या ये skew symmetric है? नहीं. लेकिन A minus A transpose करके जो matrix आएगी ये हमेशा skew symmetric रहेगी. क्वेश्चन दक्ष ध्यान से समझो क्या हो रहा है. A matrix जो है ये कुछ भी नहीं है, ये normally square matrix है, ना ये symmetric है ना ये skew symmetric है. ठीक, अब जो A ट्रांसपोज करके उसको A के अंदर ऐड करोगे वो जो मैट्रिक्स आएगी वो सिमेट्रिक रहेगी. A माइनस A ट्रांसपोज करके जो मैट्रिक्स आएगी ये स्क्यू सिमेट्रिक रहेगी. दैट इज अवर पॉइंट. इस चीज को ध्यान से समझो, अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज दोबारा पूछो. दक्ष क्लियर सर? A सिमेट्रिक हो सकती है ना? हाँ हो सकती है बिल्कुल, इसलिए तो इन जनरल करके दिखा रहे हैं ना कि हो चाहे ना हो फर्क नहीं पड़ेगा, ये चीज तो हमेशा ट्रू रहेगी. दक्ष क्लियर हुआ मेरे को? प्लीज बता. यस सर, हो गया क्लियर. बिल्कुल बिल्कुल, किसी और को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो अभी, पहले फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज के ऊपर. क्लियर है पक्का? ठीक है, चलो ठीक है आगे चल रहे हैं. तो हम क्या बोल रहे हैं अभी कि a को मैंने लिखा पहले तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ये बन गया 2a by a. अब न्यूमरेटर के अंदर हमने a ट्रांसपोज को ऐड किया, a ट्रांसपोज को सबट्रैक्ट कर दिया. अब मैंने एक a ट्रांसपोज को a के साथ कंबाइन किया, दूसरे a ट्रांसपोज को उसको दूसरे a के साथ कंबाइन किया तो ये बन जाएगा तुम्हारा a plus a transpose plus a minus a transpose, दोनों का 2 अलग हो गया. ठीक, अब ध्यान से देखो, अभी हमने बोला कि a अगर कोई भी मैट्रिक्स हो, a कोई भी मैट्रिक्स हो, a प्लस ए ट्रांसपोज वाला पार्ट क्या रहेगा? सिमेट्रिक. एंड a माइनस ए ट्रांसपोज वाला पार्ट क्या रहेगा? स्क्यू सिमेट्रिक. राइट, तो ये चीज ने हमें ये प्रूव करके दिखाया दैट एनी मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स a कैन बी रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस.
कोई भी मैट्रिक्स ए को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में हमेशा लिख सकते हैं, ये चीज हमने अभी प्रूव किया। ठीक है, ये मैं करके भी दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। लेट से मैंने ए ले लिया 1, 2, 3, 4, चलो यही ले लो। ठीक, तो ए ट्रांसपोज क्या चला गया, दैट इज 1, 2, 3, 4। अब मैंने निकाला ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2, तो ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4 प्लस 1, 3, 2, 4 बाय 2, तो ये आ जाएगा। ध्यान से देखो, 1 प्लस 1, 2, 2 बाय 2, 1, 4 प्लस 4, 8, 8 बाय 2, 4, ये बन जाएगा 5 बाय 2, ये बन जाएगा 5 बाय 2, तो ये आ गया a प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2। अब निकाला मैंने a माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2, ठीक, तो दैट इज 1, 2, 3, 4 माइनस 1, 3, 2, 4 बाय 2, तो ये बन जाएगा 0 माइनस 1 बाय 2, 1 बाय 2, 0, ये बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, a इज 1, 2, 3, 4, ठीक, a प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 प्लस a माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2 क्या बन गया, 1, 5 बाय 2, 5 बाय 2, 4 प्लस 0 माइनस 1 बाय 2, 1 बाय 2, 0। अब ध्यान से देखो, इन दोनों को सम करो, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 0, 1, ठीक, 5 बाय 2 माइनस 1 बाय 2, दैट इज अगेन 2, 5 बाय 2 माइनस 1 बाय प्लस 1 बाय 2, दैट इज 3, 4 प्लस 0, दैट इज 4। तो देखो, दिस कैन बी रिटन एज इन दोनों का सम, यानी कि ए कैन बी रिटन एज इन दोनों का सम, विच इज नथिंग बट सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि ये चीज सिमेट्रिक है, ये चीज स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हमने क्या प्रूफ किया अबव प्रॉपर्टी से, कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। बहुत सिंपल सी चीज है, प्लीज ध्यान से देखो, कोई भी डाउट आ रहा है प्लीज मेरे को दोबारा पूछो। टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ना, और ऊपर जो टू ए था उसके अंदर से एक ए को हमने ट्रांसपोज के साथ कंबाइन किया, एक ए को इसके साथ ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज के साथ कंबाइन किया, तो जो डिनोमिनेटर वाला टू है ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है, ये तो आएगा ही आएगा। आई होप क्लियर हुआ। ठीक, कोई भी डाउट है प्लीज पूछो, डाउट को मन में मत रखो, प्लीज डाउट को बाहर निकालो। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक, चलो ठीक है। अभी देखो क्वेश्चंस इसके थोड़े से देख रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। शुभम, एक सेकंड, शुभम का डाउट है, सर हर बार ए यूनिक स्क्यू मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम होगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर बार बस एक कंडीशन होनी चाहिए कि ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर ए तुम्हारी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इट कैन यूनिकली रिटन एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैन वी डिवाइड टू मैट्रिसेस? स्तुति, इसका मतलब मैट्रिसेस दिया ए और बी, तो हम उनको डिवाइड कर सकते हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ। अच्छा, जो हाफ का आपको प्रॉब्लम आ रही है कि हाफ को डिवाइड कर दिया था? नहीं, हाफ की वो तो चलो हमने एज अ कांस्टेंट को किया ना डिवाइड, बट वैसे अगर नॉर्मली टू मैट्रिसेस को डिवाइड कर सकते? नहीं, दो मैट्रिसेस का डिवीजन ऑपरेशन है ही नहीं हमारे पास, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा, इसको प्रूफ कैसे करें भाई? अभी तो प्रूफ करके दिखाया ये चीज, ये देख, दिस इज द प्रूफ। अच्छा, कि ये यूनिक है? अच्छा, यूनिक प्रूफ करना, अच्छा तू बोल रहा है कि इसके अलावा कोई और केस नहीं बन पाएगा इसका, ये चीज प्रूव करनी है।
तो इसका मान के जा सकते हैं कि मान ले कि इसका और भी केसेस पॉसिबल हैं, ठीक है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के। हाँ, इस तरीके से देख सकते हैं, एक बाय कॉन्ट्राडिक्शन हम ये चीज कर सकते हैं कि मान ले ए इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय टू प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय टू, इसको पी मान ले, इसको क्यू मान ले, तो बेसिकली ए बन गया तेरा पी प्लस क्यू, वेर पी इज ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय टू एंड क्यू इज ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय टू। ठीक, अब हमने अज्यूम किया कि देयर एग्जिस्ट अनदर सेट ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए कैन बी रिटन एज पी डैश प्लस क्यू डैश, वेयर पी डैश इज सिमेट्रिक एंड क्यू डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक, अब अगर पी डैश सिमेट्रिक है, राइट, तो पी डैश कैन बी रिटन एज ए प्लस ए ट्रांसपोज, इस वाली फॉर्म में लिखा जा सकता है, राइट। तो अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्यू डैश कैन बी रिटन एज ए माइनस ए ट्रांस, नहीं यार ऐसे कुछ ऐसा बन नहीं रहा, ठीक है, तो नहीं मतलब मत देखो,